हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आर्केडियन सीरीज के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में मैं आपका दोस्त और होस्ट दिव्यांशु हाजिर हूँ लेकर एक नई मोटिवेशनल कहानी। आज के हमारे कहानी के हीरो हैं आप सबके और हमारे, या मैं ऐसा कहूँ कि पूरे हिंदुस्तान के चहेते, सर श्री रतन जी टाटा जी, जिन्होंने अपने देश और देश के लोगों के हित के लिए नीत मूल्यों को जी जान से संभालते हुए टाटा ग्रुप को बड़ा किया। आज हम उनके जीवन को करीब से जानने की कोशिश करेंगे। इन्होंने एक बड़ी कमाल की बात कही है कि मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि मैं फैसले लेकर उन्हें सही साबित करने में विश्वास रखता हूँ। इस लाइन को पूरी करने के लिए मैं अपनी पूरा जी जान लगा देता हूँ। यह एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें 4 बार प्यार हुआ लेकिन शादी नहीं हुई। ये ऐसे शख्स हैं जिनका टाटा परिवार के साथ खून का रिश्ता ना होते हुए भी वे गोद लिए हुए पुत्र थे, लेकिन वो एक ऐसे शख्स हैं जो टाटा को शिखर पर पहुंचा दिए। ये एक ऐसे शख्स हैं जो अलग मिट्टी के बने हैं। इन्हें उद्योगपति कहें, देशभक्त कहें, दानवीर कहें या फिर एक सफल बिजनेसमैन कहें, वो आप ही डिसाइड करें। रतन जी टाटा अपने कुल मुनाफे का 66% तक दान कर देते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति अपनी कमाई का 66% दान कर देता है, वो कितना मोम हृदय होगा। यह एक सफल उद्योगपति होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी है। देश पर कभी भी कोई भी आपदा आई तो इस दानवीर ने कभी भी दान खोलकर पैसा दान करने से पीछे नहीं हटे, देश का सहयोग करने से कभी भी पीछे नहीं रहे। कोरोना जैसी महामारी में भी रतन जी टाटा ने भारत सरकार को 1500 करोड़ रुपए दान दिए हैं। रतन जी टाटा भारतीय समाज में पारसियों ने अपने लिए एक विशेष स्थान बनाया है। उन्होंने वह सम्मान हासिल किया है जिसके वे वास्तव में हकदार हैं। देश के आर्थिक विकास में योगदान करने के साथ साथ राष्ट्रीय एवं सामाजिक प्रतिबद्धता का निर्वहन भी किया है। उन्होंने अपने परिश्रम और लगन से अपनी उन्नति के लिए अवसर पैदा करने पर हमेशा से ही ध्यान दिया है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि गुजरात के सबसे पुराने कस्बे नवसारी में दादा भाई नौरोजी का जन्म हुआ था। साल 1947 का वह समय था जब यह क्षेत्र बड़ौदा के अधीन हो गया था। दादा भाई नौरोजी, जो ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटिश संसद के सदस्य चुन लिए गए थे, टाटा घराने के संस्थापक जमशेद जी टाटा के पिता नुसरवान जी टाटा का भी निवास स्थान नवसारी ही है। वहीं पर जमशेद जी टाटा का भी जन्म हुआ है। इनका निवास स्थान आज भी यहाँ स्मारक के रूप में संरक्षित है। नुसरवान जी टाटा के पूर्वज कई पीढ़ी से पारसी संप्रदाय में पुरोहित का कार्य किया करते थे। दोस्तों, पुरोहित का कार्य करने की वजह से लोग उन्हें बहुत ही सम्मानित दृष्टि से देखा करते थे। उनका समाज में बहुत ही सम्मान था। नुसरवान जी ने बदलते समय के साथ साथ कुछ नया करने का सोचा, इसलिए दोस्तों वे फिर मुंबई आकर निर्यात का काम शुरू कर दिए। फिर उन्होंने जमशेद जी को भी मुंबई बुला लिया ताकि वह भी व्यापारिक क्षेत्र में अपना अनुभव के साथ साथ कुशलता भी हासिल कर सके। नुसरवान जी अपने पुत्र को उच्च शिक्षा के लिए एल्फिनस्टोन कॉलेज में भर्ती करवा दिया। दोस्तों, अगर टाटा समूह का योगदान की बात करें तो
भारतीय उद्योग जगत के अग्रणी पुरुष जमशेद जी का जन्म 3 मार्च 1839 को नवसारी में हुआ था। इन्हें भारतीय उद्योग का जनक कहा जाता है। इन्होंने अपनी शिक्षा एल्फिंस्टोन कॉलेज में पूरी की थी। इन्होंने सन 1868 में 21,000 रुपये की पूंजी से एक व्यापारी फर्म शुरू किया, जिसके तहत विदेशों में सैनिक साजो सामान की आपूर्ति शुरू की। 1869 में दोस्तों इन्होंने मुंबई में एक पुरानी खराब पड़ी मिल को खरीदकर उसे अलेक्जेंड्रा कॉटन मिल में बदल दिया। कुछ ही समय में मित्रों यह एक चालू मिल के रूप में तब्दील हो गई। यह मिल की स्थिति बहुत ही अच्छी हो गई। यह मिल घाटे से निकलकर मुनाफे देने लग गई, जिससे 2 वर्षों बाद लाभ के साथ बेच दिया उन्होंने। सन 1874 में 15 लाख की पूंजी से द सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग एंड वीविंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की शुरुआत की। अपनी सफलता से प्रेरित होकर इन्होंने सन 1886 में एक खराब मिल को खरीदा, जिसे स्वदेशी काटन मिल का नाम दिया। मित्रों इन्होंने उस मिल का नाम स्वदेशी काटन मिल रखा। जमशेद जी का इस्पात निर्माण का सपना तब पूरा हुआ जब उनके पितर दोराबजी व चचेरे भाई आरडी टाटा ने सक्षी में वर्ष 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। जमशेद जी ने होटल ताज महल का निर्माण मुंबई में कराया। दोस्तों होटल ताज को आप लोग अभी भी जानते होंगे कि होटल ताज मुंबई के सुप्रसिद्ध होटलों में से एक है। तो जिस तरीके से दोस्तों होटल ताज आज भी मुंबई में फेमस है, पुराने समय में भी वह सभी सुख सुविधाओं से युक्त था। 7 जनवरी 1865 को भारतीय डाक एवं तार विभाग ने जमशेद जी के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया। दोस्तों अगर हम बात करें टाटा के प्रारंभिक जीवन की, तो उनका जन्म सुप्रसिद्ध टाटा परिवार में 28 दिसंबर 1937 में सूरत बंबई प्रेसिडेंसी में हुआ था। उनका बचपन थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बीता। साल 1948 में उनके माता पिताजी का तलाक हो गया। तब उनकी उम्र मात्र 10 साल की थी। दोस्तों इस डाइवोर्स के बाद उनके पिता नवल टाटा ने सिमोन दुनोएर नाम की एक महिला से शादी कर ली। इस दूसरी शादी से उनके पिता को एक और बेटा हुआ, जिसका नाम नोवेल टाटा रखा गया। इस छोटी सी उम्र में माता पिता का डाइवोर्स उनके लिए एक बड़ा सदमा साबित हुआ। मानसिक रूप से काफ़ी टूट गए, इसलिए रतन एवं उनके सौतेले भाई नोएल की परवरिश उनके माता के पिता के पास ना होकर उनकी दादी नवाजबाई द्वारा की गई थी। वे दादी के बहुत ही प्रिय थे। रतन जी की दादी नवाजबाई नवाज व दादा सर रतन टाटा निसंतान थे, इसलिए नवाजबाई ने होरमुस जी टाटा के पुत्र नवल होरमुस जी को गोद ले लिया। होरमुस जी टाटा उन्हीं की कपड़ा मिल में स्पिनिंग मास्टर थे। दोस्तों अगर बात करें रतन जी टाटा की प्रारंभिक शिक्षा की, तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा अमेरिका के न्यूयॉर्क के RCS कॉलेज से 12वीं तक की पढ़ाई उन्होंने पूरी की। सन 1958 में अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर एवं स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम का कोर्स किया। रतन टाटा अपने स्कूल में एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। उस दौरान उन्हें IBM से जॉब ऑफर आई थी, लेकिन रतन टाटा ने उस जॉब को ठुकरा दिया। इन्होंने कभी भी अपने नाम का फायदा नहीं उठाया। बात करें रतन की टाटा के सबसे रहस्यमय जीवन की, तो वो है उनका प्रेम और उनका प्रेम विवाह का प्रस्ताव।
रतन जी टाटा की ज़िंदगी का सबसे बड़ा रहस्य यही रहा है कि उन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की। तो दोस्तों, इसके पीछे की बहुत सारी अटकलें लगती रहीं, लेकिन वो हमेशा इस बात को अपने दिल में ही दबाए रखे। आखिरकार उन्होंने एक इंटरव्यू में इसका खुलासा किया कि उन्होंने बताया कि कर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर डिग्री हासिल करने के बाद उन्हें लॉस एंजलिस शहर में एक नौकरी करना शुरू किया था। इस नौकरी के लिए उन्होंने 2 साल वहाँ बिताए, तभी वहाँ उन्हें एक लड़की से प्यार हुआ था। उन 2 सालों के पलों को वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन पल मानते थे। वह दोनों एक दूसरे को बहुत अधिक प्रेम करते थे और दोनों शादी करने का मन बना चुके थे। उसी समय रतन टाटा के पास उनकी दादी की तबीयत ख़राब होने की खबर पहुंची। दोस्तों, अपने दादी से बहुत अधिक लगाव होने के कारण और 7 साल से उनसे न मिल पाने के कारण वह वापस भारत आ गए। उन्होंने उस महिला को भी अपने साथ चलने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वह इंडिया जाकर शादी कर लेंगे। लड़की तैयार भी थी, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उन्हें जाने की परमिशन नहीं दी। बात साल 1962 की थी, जब भारत और चाइना का युद्ध चल रहा था। इस युद्ध के कारण ही उस लड़की के पेरेंट्स ने उसे जाने से मना कर दिया। ऐसे में उस महिला ने वादा किया कि वह युद्ध खत्म होते ही उनके पास भारत आ जाएगी। इस भरोसे से रतन टाटा अपनी दादी के पास वापस लौट आए थे। वह भारत आकर उस महिला का इंतज़ार करने लगे। उन्हें पूरा यकीन था कि वह उनके पास ज़रूर आएगी। उनका इंतज़ार काफ़ी लंबा होता चला गया। आखिर में उन्हें खबर मिली कि उस महिला के माता पिता ने उस लड़की की शादी कर दी है। यह खबर सुनकर उन्हें काफ़ी गहरा धक्का लगा और उनका दिल पूरी तरीके से टूट गया, क्योंकि उन्होंने सच्चे मन से उस महिला से प्यार किया था। यह बात साबित करती है कि रतन जी टाटा ने अपने वादों और असूलों के कितने पक्के थे। यह चीज़ उनके कामयाब होने का सबसे बड़ा कारण था। रतन टाटा पेशे से एक इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, फिलेंथ्रोपिस्ट, एंटरप्रेनर और इन्वेस्टर हैं। रतन टाटा की करियर की शुरुआत की बात करें तो दोस्तों, टाटा स्टील से हुई थी। टाटा ग्रुप और उनकी फैमिली की परंपरा के अनुसार 1970 तक टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनियों में काम करते रहे, क्योंकि उनके दादाजी का मानना था कि जब तक आप अपने काम के बारे में अच्छी तरीके से जान नहीं लेते हैं, तब तक आप इसके मालिक नहीं बन सकते हैं। बस इस बात को वो फॉलो करते थे। इसके बाद 1970 में इन्हें मैनेजमेंट में प्रमोट किया गया। फिर 1971 में इन्हें नेल्को में कंपनी हैंडओवर कर दी गई। यह टीवी और रेडियो मैन्युफैक्चरर कंपनी थी। यह कंपनी उस वक्त घाटे पर जा रही थी। इन्होंने अपने अथक प्रयास और अपने असूलों के दम पर कंपनी को मार्केट में एक अलग पहचान दिलाई, लेकिन देश में आर्थिक मंदी होने की वजह से इसे जल्द ही बंद करना पड़ा। यह इनकी लाइफ का पहला फेलियर था। इन्होंने हार न मानकर आगे बढ़ने का फैसला लिया। इसके बाद इन्होंने अपनी एक और डूबी हुई कंपनी टाटा एक्सप्रेस मिल को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर भी इनको सफलता हाथ नहीं लगी। दोस्तों, यह कंपनी भी दुर्भाग्य से बंद हो गई। साल 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। अब तक इन्होंने बिजनेस की इतनी सारी नॉलेज इकट्ठा कर ली थी कि अगले 21 सालों में लगातार मेहनत करके वे टाटा कंपनी को इंटरनेशनल लेवल तक ले गए। साथ ही अपनी कंपनी को इंडिया और फॉरेन कंट्रीज़ में भी एक्सपैंड करते चले गए। रतन टाटा के आने के बाद टाटा ग्रुप को 50% प्रतिवर्ष मुनाफा होने लगा। यहाँ से उन्होंने अपने बिजनेस की दुनिया में अपना परचम लहराना शुरू कर दिया। दोस्तों, बात करें रतन जी टाटा ने अन्य कंपनियों को खरीदा। काफ़ी साल टाटा ग्रुप में काम करने के बाद रतन टाटा ने बहुत सारी कंपनियों को खरीद लिया, जिसमें से टाटा मोटर्स, लैंड रोवर, जगुआर और टाटा टी, टेटले टी कंपनी थी। वहीं टाटा स्टील के साथ कोरस जैसी और भी कई सारी कंपनियां उन्होंने खरीद लिया। रतन टाटा ग्रुप पहले से ही
पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल बनाया करती थी, लेकिन आम भारतीय के कार का सपना पूरा करने के लिए दोस्तों रतन टाटा ने 30 दिसंबर साल 1998 में पूरी तरीके से इंडिया में बनने वाली पहली कार इंडिका लॉन्च की। रतन जी टाटा का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसको पूरा करने के लिए रतन जी टाटा ने बहुत मेहनत कर रखी थी, लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य ने यहाँ भी उनका साथ नहीं छोड़ा। ऑटो एनालिसिस में इस कार को पूरी तरीके से क्रिटिसाइज किया गया, इसका नतीजा ये हुआ कि टाटा इंडिका की सेल बहुत ही गिर गई। टाटा इंडिका को मार्केट में अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। एक साल के अंदर ही टाटा इंडिका फ्लॉप हो गई दोस्तों, जिससे टाटा मोटर्स को काफ़ी नुकसान हुआ। इसके बाद रतन टाटा को अपने फैसले को लेकर बहुत सारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। नुकसान की पूर्ति के लिए अपना कार व्यापार किसी और को बेच दें, यह सुझाव बहुत सारे लोग बहुत सारी कंपनियां उनको देने लगीं। रतन जी टाटा ने सब कुछ सोचने समझने के बाद यह नतीजा निकाला कि लगता है कि मैंने टाटा का इंडिका लॉन्च करके बहुत गलती कर दी है। तब वे अपने कंपनी को बेचने के लिए रतन जी टाटा फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड के पास गए। बिल फोर्ड के साथ 3 घंटों तक उनकी मीटिंग चली। 3 घंटों की मीटिंग में दोस्तों बिल फोर्ड ने रतन जी टाटा के साथ बहुत बेरुखी से सलूक किया और बातों बातों में उसने टाटा जी से ये कह दिया कि जब तुम्हें कार बनानी आती ही नहीं थी, तब तुम इस बिजनेस को कैसे संभालते थे? इसमें तुमने पैसे इन्वेस्ट क्यों कर दिए? हम यह कंपनी खरीद कर तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। इतना कहते ही ये बात रतन जी टाटा के दिल पर लग गई। उन्होंने उस डील को वहीं पर तोड़कर वापस आ गए और अब उन्हें उसका जवाब अपने सफलता से देना था। रतन जी टाटा ने वापस आकर अपना पूरा ध्यान टाटा मोटर्स पर डाल दिया। दोस्तों उन्होंने इंडिका का एक नया वर्जन इंडिका 2 लॉन्च कर दिया। कुछ ही वर्षों में शुरुआती झटके खाने के बाद रतन टाटा का कार बिजनेस अच्छा खासा आगे बढ़ने लगा, जो बेहद मुनाफे का बिजनेस साबित होने लगा। कुछ ही वर्षों बाद समय खुद को दोहराने लगी, जिसमें बात यह हुई कि फोर्ड कंपनी अपनी जगुआर और लैंड रोवर की वजह से बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही थी। 2008 के आते आते वह दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। उस समय रतन टाटा ने उनकी लग्जरी कार जगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का प्रस्ताव दिया, जिसे बिल फोर्ड ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। बिल फोर्ड उसी तरह अपने साझेदारों के साथ टाटा समूह के मुख्यालय पहुँचे जिस तरह कभी टाटा पहुँचे थे। रतन टाटा ने जगुआर और लैंड रोवर को 2.3 बिलियन में खरीद लिया। दोस्तों इस बार भी बिल फोर्ड ने बिल्कुल वही बात दोहराई, लेकिन इस बार समय की मांग कुछ और थी। उन्होंने रतन टाटा से यह कहा कि सर, आपने हमारी कंपनी खरीद कर हमारे ऊपर एहसान किया है। आज जगुआर और लैंड रोवर टाटा समूह का हिस्सा है दोस्तों, जो बेहद मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहा है। रतन टाटा चाहते तो बिल को करारा जवाब दे सकते थे, लेकिन वह अपने सफलता में चूर नहीं थे, और यही एक गुण है जो एक सफल इंसान को महान इंसान में परिवर्तित करता है। दोस्तों अगर बात किया जाए रतन जी टाटा की दानशीलता की, तो जब भी हमारे देश में संकट आया है, रतन जी टाटा हमारे देश में मदद करने के लिए हमेशा आगे आए हैं। साल 2011 में जब 26/11 का आतंकी हमला हुआ था, तब इनके होटल ताज के लगभग 80 एम्प्लॉयज दोस्तों लगभग 80 एम्प्लॉयज की जान गई थी। इसके बाद वह उन सभी के घरों पर जाकर जिनकी अपनों ने जान गंवाई थी, उन्होंने उन सभी का पूरा खर्च उठाया, उनकी सहायता की, यहाँ तक कि होटल के आसपास छोटे बड़े काम करने वाले, ठेले लगाने वाले या फिर कोई भी छोटा मोटा व्यापार करने वाले जिनका नुकसान हुआ था, उन सभी को आर्थिक मदद दी। इसके बाद दोस्तों जब अपने देश में साल 2019 में कोविड-19 का खतरा आया, तब रतन जी टाटा ने भारत सरकार को
1500 करोड़ रुपए की मदद दी थी। दोस्तों 1500 करोड़ रुपए की मदद रतन जी टाटा ने दिया था। देश में पेंडेमिक के दौरान टाटा समूह में दोस्तों जो भी फ्रेशर आए थे, जी हाँ दोस्तों, जो भी फ्रेशर जॉब के लिए आए थे, उनमें से किसी भी सिंगल एम्प्लॉय को उन्होंने न निकालने का फैसला किया। उनमें 4.5 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ थे, तब रतन टाटा के ग्रुप में एक भी एम्प्लॉयज़ को न निकालने के साथ उनकी मदद की। जबकि वहीं दूसरी ओर पूरे विश्व में लोगों की नौकरियां, अमेरिका जैसे देश में लोगों की नौकरियां छिन गई थी, हमारे रतन जी टाटा इतने उदारवान थे कि उन्होंने अपने देश में एक भी एम्प्लॉयज़ को न निकालने का फैसला किया। तो दोस्तों आप बात करें एयर इंडिया की, तो टाटा समूह ने 68 साल बाद एयर इंडिया की कमान संभाली है। टाटा समूह के वर्तमान चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने सरकार से कर्ज में डूबी एयर इंडिया को खरीद लिया है। वह सौदा 18,000 करोड़ रुपए में तय हुआ। इस तरह से टाटा ने एयर इंडिया के 100% शेयर अपने नाम कर लिए। ये एयर इंडिया की टाटा समूह में घर वापसी है। जी हाँ दोस्तों, टाटा समूह ने ही सन 1932 में एयर इंडिया की शुरुआत की थी। एयर इंडिया की स्थापना JRD टाटा ने की थी। उस वक्त इसका नाम टाटा एयरलाइंस हुआ करता था। बाद में 1946 29 जुलाई को यह एक पब्लिक लिमिटेड हो गई थी। तब इसका नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड रख दिया गया था। रतन जी टाटा को देश रत्न ऐसे ही नहीं कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे उदाहरण पेश किए हैं जिससे हर कोई उनके दयालुपन का कायल हो गया है। $1.5 बिलियन के मालिक रतन टाटा एक शर्मीले स्वभाव के व्यक्ति हैं। वे बाहरी चमक धमक पर विश्वास नहीं रखते हैं। रतन टाटा सालों से मुंबई के कोलाबा में किताब और कुत्तों से भरे हुए एक बैचलर घर में रहते हैं। इनकी प्रतिमाह इनकम 90 करोड़ से भी ऊपर है। साल में वो 860 करोड़ रुपए से भी ऊपर की आमदनी करते हैं दोस्तों। लेकिन अपनी आमदनी का 60% हिस्सा वो चैरिटी में लगा देते हैं, लोगों की भलाई में लगा देते हैं। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।